नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा बजट में नजरअंदाज है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि एमपी सरकार गुजरात के दबाव में है। उमंग सिंघार का कहना है कि बजट जनहितैषी है तो लाडली बहनों की राशि क्यों नहीं बढ़ाई गई, फसल खरीदी की एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई, घोषणा पत्र के वादे क्यों पूरे नहीं किए गए। लाडली बहना क्यों भूल गए, चुनाव उससे जीत के आए, 1200 के ने बोला 3000 करेंगे, तो लाडली बहना को ये बोले, इनके घोषणा पत्र में था, ये क्यों 2700 रुपए आपके गेहूं खरीदी को लेके भूल गए, क्यों 3100 रुपए धान खरीदी, हम तो इनके घोषणा पत्र को याद दिला रहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय घोषणा करती है लेकिन बजट पे प्रावधान नहीं करती है। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पे सरकार क्यों बचना चाहती है, जब स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने झूठे जवाब दिए, सदन को गुमराह किया, हमारे सदस्यों ने विशेष अधिकार हनन के नोटिस दिए पार्टी की तरफ से, मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे सदन क्यों नहीं पे चर्चा क्यों नहीं हो, ऐसे झूठी बात करके आप पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। रही बात ये बार बार कहते हैं एक बात की कॉलेज की परीक्षा हम करा रहे हैं नर्सिंग की, ये तो कोर्ट के आदेश के कारण हो रही है, इन्होंने कौन से आदेश जारी किए, कोर्ट ने आदेश जारी किए जब जाके उनके हो। रही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के युवा उनकी गलती नहीं है, यहाँ पे जो नियम बनाने वाले उनकी गलती है, इन पे कार्रवाई होना चाहिए।